स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें टोटल वीडियोस हम लोग कंप्लीट करेंगे शायद, या हो भी सकता है कि दो तीन वीडियो कर ले, लेंथ के अनुसार देखा जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जो बताया जाएगा वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका बताए थे कि दो तीन क्वेश्चन आप देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, वो यहीं से शुरू होता है। कह रहा है कि ये फिगर है आपके पास, कह रहा है कि ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर ओबीए, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही इन्होंने ये बोल दिया, ज़रा समझने का कोशिश करना, ओडीसी अगर सिमिलर है हमारे ट्रायंगल ओबीए के, तो आधा इन्फॉर्मेशन तो हम इसी से निकाल लेंगे। कैसे? एंगल ओ एंगल ओ के इक्वल होगा। पहले तो ओडीसी ट्रायंगल को और ओबीए ट्रायंगल को अलग अलग बना लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ओडीसी कौन है? एक्चुअली हमने नामकरण में तुझा छोड़ दिया है, ये ए डी है, ये ए है और ये डी है। तो आपका अगर तुमसे बोलेंगे कि ओडीसी फिगर किसके सिमिलर है, ओबीए के, तो ओडीसी कौन है? ये है, इसको कलर कर दो। फिर ओबीए ये है, तो ये ओ है, ये बी है, ये ए है, ठीक है ना? तो अगर ये सिमिलर है तो ये बात तो पक्की हो गई कि एंगल ओ के बराबर होगा जी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के। एंगल डी किसके बराबर होगा जी? बीच वाला है तो एंगल बीच के। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर एंगल डी और एंगल बी को देखा जाए तो ये एंगल डी है और ये एंगल बी है, तो ये 70 है, तो ये भी 70 हो गया डायरेक्ट, क्योंकि सिमिलर है भैया, वहाँ देखेंगे ही नहीं, इधर से सब काम होता जाएगा। तीसरा एंगल सी है, तीसरा एंगल ए है, सी ए बराबर है। अब सी ए को देखा जाएगा तो सी भी नहीं दिया गया, ए भी नहीं दिया गया, तो ज्योमेट्री लगाएंगे। हमको ये एंगल 70 डिग्री दिया है, ये एंगल 125 डिग्री दिया है, पढ़ सकते हो बी ओ सी 125, तो ये बी था, ये ओ था, ये सी था, 125। सी डी ओ 70, तो सी कहाँ है, ये है डी ओ, ये 70। अब जरा बताओ कि ये अगर 125 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, बोलो? 180 पूरा लाइन बन रहा है, लाइन बन रहा है, तो 180 पूरा हुआ 50, तो ये हमारा 55 डिग्री हो गया। पूछेगा बता देंगे, ये एंगल कितना होगा, बोलो? 55 और 70 जोड़ो तो ये 5 हो गया, और ये 7 5 12 हो गया 125, तो 125 डिग्री घटा दो, समझ रहे हो? तो कितना होगा बोलो? 55 ही होगा, ठीक है ना? 5 5 10 5 2 7 1 8, हाँ सही है। तो ये निकल गया, तो एंगल हमारा ए भी तो निकल गया 55 डिग्री, क्योंकि उसके बराबर था, सी ओ के बराबर था। अब जो भी पूछ रहा है वो निकल गया होगा। देख लो, इन्होंने डी ओ सी पूछ रखा है, तो डी ओ सी निकल चुका है कि नहीं 55 डिग्री? Yes, लिख दोगे डी सी ओ, डी सी ओ पूछ रहा था, वो 55 डिग्री निकल चुका है। एंड ओ ए बी, ओ ए बी, ये 55 डिग्री सब निकल गया, है ना? एक लाइन का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।